ओम नमः शिवाय। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष सोमवार एकादशी तिथि दोपहर 2:35 तक लगी रहेगी। तत्पश्चात द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आज भी 5:50 तक चलते रहेंगे। तत्पश्चात रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी बुध देव हैं। आज के चंद्रमा का पूरा दिन 5:50 तक शनि के नक्षत्र का फल कायम रहेगा। तत्पश्चात बुध के नक्षत्र का फल प्रारंभ हो जाएगा। आज के जन्मे जातक सुंदर सरल हृदय वाले, हर कार्य करने में समर्थ, लोकप्रिय और धन और ऐश्वर्य से युक्त होते हैं। ऐसे जातक बुद्धिमान, उचित सलाह देने में कुशल मगर दुविधापूर्ण मनस्थिति वाले, अपने निर्णय को जल्दी ही बदल देने वाले, पूर्वानुमान लगाने में कुशल, शत्रुओं से भी काम निकालने वाले, सक्षम अधिकारी तथा उच्च अभिलाषी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा बुध और बृहस्पति की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज भी पूरे दिन मीन राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी बृहस्पति देव हैं। आज के चंद्रमा पर बृहस्पति की पंचम दृष्टि और राहु की नवम दृष्टि कायम रहेगी, जिससे प्रबल आत्मविश्वास बना रहेगा। कार्यशैली में सुधार होगा। बड़े बुजुर्गों और सम्मानित व्यक्तियों की सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी और विभागीय सहयोग जारी रहेगा। नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ेगी और सम्मानित किए जाएंगे। सरकारी कामकाज पूरे होंगे और धन लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। आज का दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आज देवोत्थान एकादशी का पवित्र पर्व है। कहा जाता है कि देव सैनी एकादशी से लेकर प्रबोधिनी एकादशी तक, जो कि देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, भगवान विष्णु सोए रहते हैं। अतः हर शुभ काम, मांगलिक अनुष्ठान और संस्कार इत्यादि नहीं किए जाते, मगर आज के बाद से हर शुभ कार्य के लिए समय अनुकूल हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की यथाशक्ति पूजा अर्चना, जप, हवन, दान इत्यादि करनी चाहिए। यह पर्व तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। जिन जातकों की कुंडली में बृहस्पति कमजोर स्थिति में हैं या नीच के हैं, ऐसे जातकों को इस व्रत को पूरे श्रद्धा के साथ करना चाहिए। मनोवांछित सफलता प्राप्त होती है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र का जप करना चाहिए, अथवा विष्णु सहस्र नाम करें, या यदि आप गुरु दीक्षा लिए हुए हैं तो अपने गुरु मंत्र का यथासंभव जप करें। वर्ष पर्यंत भगवान विष्णु की कृपा बनी रहेगी। आज हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कुंभ के मंगल के शुभ और अशुभ और दुष्प्रभावों की चर्चा करेंगे। कैसा रहेगा बृहस्पति राशि के जातकों के लिए कुंभ के गोचर का प्रभाव? वृश्चिक राशि के राशि स्वामी स्वयं मंगलदेव हैं, जो कि कुंभ राशि में आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसकी चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर, सप्तम दृष्टि दशम भाव पर और अष्टम दृष्टि आठवीं दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है, जिसका मिला जुला प्रभाव निजी जमीन जायदाद संबंधी मामलों में वाद विवाद की संभावना बनती है। माता को कष्ट हो सकता है। गिर कर चोट लगने की संभावना या दुर्घटनावश शारीरिक कष्ट संभव है। साथ ही साथ पारिवारिक सुख में कमी महसूस होगी। सारी सुख सुविधाओं के बावजूद भी मानसिक असंतुष्टि, अनावश्यक चिंता और मानसिक दबाव हो सकता है। साथ ही यदि आपको रक्तचाप की शिकायत है या हृदय संबंधी पहले से परेशानियां चली आ रही हैं तो उचित चिकित्सकीय परामर्श लेना आवश्यक होगा। कुछ कामों में रुकावट संभव है, मगर आपकी राशि पर बृहस्पति का गोचर कुछ लंबित कार्यों में सहयोग कर सकते हैं। फिर भी दोषारोपण की संभावना अभी बनी हुई है। विरोध अपने संबंधियों से भी सहना पड़ सकता है। पत्नी से मतभेद की स्थिति का संकेत मिलता है, मगर व्यावसायिक सुदृढ़ता बनी रहेगी। कार्य व्यवसाय में बल मिलेगा। आय संबंधी मामलों में भी सहयोग बना रहेगा। क्या उपाय करने चाहिए? नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करें। शिवलिंग पर सोमवार को दूध अर्पित करें, दूध से अभिषेक करें और गाय को घी लगी हुई रोटी खिलाएं। आपके कार्यों के रुकावट में कमी आएगी और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं दूर होती जाएंगी। मेष राशि के जातकों के लिए शारीरिक संवेदनशीलता बनी रहेगी। अनावश्यक खर्च, अनचाही यात्रा और अपव्यय का संकेत मिलता है, मगर कार्य क्षेत्र के प्रयासों में कमी आएगी। मगर निजी निवेश के लिए पत्नी की प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। नई कार्ययोजनाओं के संपन्न होने में समय लग सकता है, हालांकि सरकारी एजेंसियों से सहयोग और उचित दिशा निर्देश मिलता रहेगा। रुके हुए काम संपन्न होंगे। आर्थिक लाभ की स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां अपेक्षित हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शैक्षणिक कार्यों में सहयोग और सफलता संभावित है और वाहन सावधानी से चलाएं।
वृष राशि से चंद्रमा एकादश भाव में चल रहे हैं और राशि स्वामी शुक्र छठवें घर में है। रचनात्मक क्रियाशीलता बनी रहेगी मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का संकेत मिलता है। धन संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा और आर्थिक लाभ की स्थिति आपके कार्य क्षमता के ऊपर निर्भर करेगी। सरकारी कामकाज पूरे होंगे। घर गृहस्थी संबंधी मामलों में निवेश भी संभावित है। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और कुछ कामों में रुकावट की संभावना भी बनती है। संतान संबंधी मामलों में आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामले अनुकूल रहेंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कार्यक्षेत्र से संबंधित मामलों में विस्तार होगा और सफलता जारी रहेगी। चंद्रमा के पहले शनि के नक्षत्र में तत्पश्चात बुध के नक्षत्र में होना सहयोग, आत्मविश्वास और सफलता में वृद्धि का संकेत देता है। साझेदारी के कामों में भी सार्थक प्रेरणा बनी रहेगी और आर्थिक लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा। सरकारी कामकाज में रुकावट खत्म होगी और संतुष्टि महसूस करेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और कुछ न कुछ सीखते रहने की रचनात्मक प्रवृत्ति बनी रहेगी मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं भी संभावित हैं। सावधानी अपेक्षित है। कर्क राशि के जातकों के लिए रुके हुए काम संपन्न होंगे। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। बौद्धिक क्षमता का विकास होगा और उचित दिशा निर्देश मिलता रहेगा। सामाजिक प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। नई कार्य योजनाओं में इरादे मजबूत होंगे और विकास की दर में वृद्धि होगी। सहयोगियों से भी लाभ मिलेगा मगर अतिरिक्त जिम्मेदारी भी बनी रहेगी। चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में चलते रहेंगे इसलिए शारीरिक संवेदनशीलता और मानसिक दुश्चिंता का संकेत भी मिलता है। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है। विद्यार्थी प्रयास जारी रखें। सफलता संभावित है। धार्मिक भावना में वृद्धि होगी और वैवाहिक मामले सफल रहेंगे। सिंह राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी। अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। घर गृहस्थी और कार्यस्थल के विकास में रचनात्मक पहल जारी रहेगी। नई कार्य योजनाओं में सहयोग मिलता रहेगा। कामकाज में गति आएगी और विचाराधीन मामले संपन्न होंगे। संतान संबंधी मामलों में चिंता बढ़ सकती है। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी और यात्रा या प्रवास संभावित है। विद्यार्थियों को सार्थक फल मिल सकता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा और नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे। भूमि, वाहन या प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी और उसमें निवेश संभावित है। रुके हुए काम संपन्न होंगे। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी और साझेदारी के काम लाभदायक रहेंगे मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए और सरकारी कार्यों में खर्च का अंदेशा बनता है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में प्रयास सार्थक होंगे। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। तुला राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य संबंधी मामलों के साथ साथ कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियां रखनी चाहिए। मानसिक चिंता बनी रहेगी। चंद्रमा बुध के नक्षत्र में छठवें चल रहे हैं। सावधानी अपेक्षित है। साथ ही सामान्य ढंग से चल रहे कामों में रुकावट का अंदेशा बनता है। हालांकि सकारात्मक प्रेरणा और सहयोग बरकरार रहेगा फिर भी कार्य क्षेत्र के कुछ पहलुओं पर मन सशंकित रहेगा। आर्थिक लाभ आपके परिश्रम के अनुसार मिलता जाएगा और अनावश्यक खर्च का संकेत भी मिलता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है। शैक्षणिक कार्यों में सफलता मिल सकती है। प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कार्यक्षेत्र की अनुकूलता बनी रहेगी और सकारात्मक प्रयासों का दौर जारी रहेगा। पारिवारिक हस्तक्षेप संभावित है। मन मुताबिक काम होने में दिक्कत और रुकावटें हो सकती हैं। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। सरकारी कामकाज पूरे होंगे। साझेदारी में लाभ मिलेगा मगर पारिवारिक दायित्व की चिंता, उत्साह में कमी और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का संकेत भी मिलता है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता की संभावना बनती है। प्रयास जारी रखें और वैवाहिक प्रस्तावों में अनुकूलता बनी रहेगी। धनु राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन सुकून वाला होगा। कार्यक्षेत्र की नई योजनाओं का लाभ मिलेगा और नए अवसर सामने आएंगे मगर कार्यक्षेत्र में अनियमितताओं के साथ आर्थिक रुकावटें संभावित है मगर पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। सरकारी विभाग के रुके हुए काम पूरे होंगे और अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। साझेदारी सफल रहेगी और आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। प्रयास सार्थक होंगे मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी चाहिए।
मकर राशि वाले जातकों की क्रियाशीलता और दृढ़ इच्छा शक्ति सहयोगात्मक रूप से जारी रहेगी। प्रयासों को बल मिलेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी रखनी चाहिए। कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में पूर्ण सहयोग और सफलता का संकेत मिलता है और संबंधित यात्राएं संभावित हैं। साझेदारी सफल रहेगी, विभागीय कर्मचारियों का सहयोग मिलता रहेगा। प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। प्रयास जारी रखें और गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी, साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से योजनाएं पूरी होंगी और आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा। नई कार्य योजनाओं और साझेदारी के कामों में सफलता मिल सकती है। निजी निवेश के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। पत्नी की सलाह और सकारात्मक प्रेरणा से रुकते हुए काम संपन्न होंगे। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा, मगर कुछ कामों में अचानक रुकावट और विवाद की स्थिति भी संभावित है। वैवाहिक प्रयासों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रयास जारी रखें। मीन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आपकी राशि पर चल रहे हैं। आत्मिक सुख और मानसिक संतुष्टि बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में रचनात्मक क्रियाशीलता और उत्साहजनक स्थिति कायम रहेगी, मगर महत्वपूर्ण और ठोस निर्णय सोच समझकर सावधानी से लेना चाहिए। हालांकि कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी और आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा और सरकारी कामकाज पूरे होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास जारी रखें। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और वैवाहिक मामले अनुकूल रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।